हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो कर रही हूँ, आप सभी से मुझे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। मेरा एक एक्सपीरियंस मुझे आपसे शेयर करना है जो मेरे साथ हुआ, और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ। और तो मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, इस पर बात करूँ, ताकि आप सभी से शेयर भी करूँ कि मेरे साथ क्या एग्जैक्टली हुआ, एंड आपको अवेयर भी करूँ इस बारे में। एंड आपसे अगर आपके पास इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे दे सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि मैं एक ऑनलाइन सेलर हूँ, मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती हूँ और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स। मेरा ऑनलाइन व्हाट्सएप स्टोर है जहाँ पे मैं सेल करती हूँ। रिसेंटली अपना मेकअप हॉल वीडियो भी मैंने शेयर किया था, मेकअप कलेक्शन वीडियो। मुझे ऑर्डर्स भी आ रहे थे अच्छे खासे। कुछ आइटम्स मैंने जो है फेसबुक मार्केट प्लेस में भी डाले थे, जैसे कुछ ज्वेलरी आइटम्स, कुछ मेकअप आइटम्स, वहाँ से मुझे ऑर्डर्स आए, मैंने ऑर्डर्स सेंड भी किए। एंड बिजनेस में ऐसा होता है कि पता नहीं चलता कि कौन सा बंदा कब आपको किस तरीके से अप्रोच करे। ऑब्वियसली हम तो सभी को ही ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मेरे साथ ये हुआ कि मुझे जो मैंने प्रोडक्ट FB मार्केट प्लेस में लिस्ट किया था, उसके रिलेटेड क्वेरी आई मेरे व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप बुकिंग नंबर भी मैंने वहाँ पे डाल रखा था। तो मुझे क्वेरी आई कि बताइए इसका प्राइस कितना है एंड इतने इतने पीसेस हमें चाहिए। तो मैंने प्राइस पर पीस बताया और ये भी बताया कि अगर आप इतने पीसेस ले रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप मुझे फ़ोन पे कर दीजिएगा और आपको आपका ऑर्डर जो है डिस्पैच हो जाएगा। तो उस बंदे ने अपना नाम बताया, विकास फ्रॉम गुजरात, और उसने बोला कि ठीक है। तो व्हाट्सएप पे बात हुई तो उसने बोला कि ठीक है, ओके, वो पेमेंट कर देगा। तो उसने ये बोला कि पेमेंट अभी नहीं हो पाएगा। मेरी बात हो रही थी परसों के दिन, ये परसों की बात है, परसों रात की बात है, व्हाट्सएप पे मेरी बात हो रही थी। तो उसने रात को पेमेंट नहीं की, उसने बोला कि वो सुबह पेमेंट कर देगा। तो मैंने बोला ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुबह में जो है मुझे व्हाट्सएप कॉल आता है उसी बंदे के नंबर से, जिस नंबर से उसने मुझसे व्हाट्सएप पे बात की थी, और वो फिर से इंक्वायर करता है, कन्फर्म करता है प्राइस एंड ऑल। तो मैं भी उसे फिर से कन्फर्म करती हूँ प्राइस की, इतना प्राइस होगा और अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो है प्रोडक्ट, जो आपका सामान है, वो डिस्पैच में कर दूंगी। तो उसने बोला ओके और उसने रख दिया। उसके बाद मैं वेट करती रही कि पेमेंट आएगा, तो पेमेंट नहीं आया। मैंने फॉलो अप किया 2-3 बार। तो शाम में जो है मुझे व्हाट्सएप कॉल आती है उसी नंबर से, और वही बंदा बात करता है और बोलता है कि वो उसने पेमेंट कर दी है और उसने एक स्कैन कोड भेजा है मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, और उसने मुझे बोला कि आप व्हाट्सएप ओपन कीजिए एंड उस स्कैन कोड को स्कैन कीजिए तो आपको जो है मनी रिसीव होगा। तो मैं गई, मैंने देखा, मैंने स्कैन कोड ओपन किया, उसने बोला आप फोन पे ओपन करो और वहां से उस स्कैन कोड को स्कैन करना। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तब भी समझ में नहीं आया, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी। ऑब्वियसली इस स्कैम के बारे में मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मेरा दिमाग उस टाइम बिल्कुल नहीं चला। बट दिस इज एक्चुअली हैपनिंग दोस्तों, स्कैमर्स आर यूजिंग दिस ट्रिक, सेंडिंग यू स्कैन कोड, UPI स्कैन कोड एंड आस्किंग यू टू स्कैन जस्ट टू गेट मनी फ्रॉम यू। तो बी वेरी वेरी कॉशियस अगर आपके साथ ऐसा होता है। तो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया एंड मैंने उसको बोला भी कि ये स्कैन क्यों करना है, तो उसने यही बोला कि अगर आप स्कैन करोगे आपको पेमेंट रिसीव होगा। तो उसने पहले मुझे जो है 5 रुपीज का पेमेंट भेजा, मतलब स्कैन कोड भेजा। तो जब मैंने उसे स्कैन किया तो मुझे वो जो है पैसा जो है रिसीव हो गया। तो मुझे लगा कि ठीक है, स्कैन करने से शायद ऐसा हो सकता है कि पैसा रिसीव हो। मैं सारी इमेजेस, सारे स्क्रीनशॉट्स, जो भी मेरे पास प्रूफ्स है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डाल दूंगी ताकि आप देख सकते हो। तो जब मैंने स्कैन किया अमाउंट, तो उसके बाद जो है उसने मुझे 2000 रुपये का जो है स्कैन कोड भेजा और बोला कि आप इसे स्कैन कीजिए, अगर आप इसे स्कैन करेंगे तो आपको जो है 2000 रुपये आपको मिलेंगे। तो मैंने स्कैन किया थ्रू फोन पे, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आपको किसी से पैसा रिसीव करना है, आपको
कोई क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैसा सेंड कर रहे हैं तभी आप क्यूआर कोड जो है स्कैन करते हैं, रिसीव करने के लिए कभी नहीं करते हैं। ये सारा जब मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता लगा, गूगल में बहुत कुछ, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े कि हजारों लोगों के साथ ये हर दिन हो रहा है, ये यूपीआई फ्रॉड। तो मैंने वहां पे स्कैन किया एंड वहां पे मुझे ऑप्शन आता है कि डेबिट जो है ऑप्शन आया मुझे कि डेबिट 2000 रुपीज फ्रॉम माय अकाउंट। तो मैंने उसे बोला भी कि ये डेबिट ऑप्शन आ रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे रिसीव होगा। बट उसने मुझे जो है बहुत अच्छे से उलझाया ये बोल के कि उसने ऑलरेडी पैसे भेज दिए हैं और अगर मैं स्कैन नहीं करूंगी तो ट्रांजैक्शन जो है डिक्लाइन हो जाएगी। ये उसने ऐसे मुझे बोला, कन्फ्यूज कर दिया लिटरली, और मैंने स्कैन कर दिया। और जब मैंने स्कैन किया उसके बाद जो ऑब्वियसली मेरे पैसे तो कट गए 2000 रुपये। उसके बाद मैं वेट करती रही कि मुझे वापस आएंगे, बट मुझे नहीं आए। तो मैंने उसको वही बोला तो उसने बहुत इनोसेंटली ये बोला कि नहीं, कुछ एरर आया है, आपको फिर से करना पड़ेगा। फिर से उसने मुझे एक क्यूआर कोड भेजा 2000 रुपये का। तो मैं डर के मारे मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, ऑलरेडी मेरे चले गए तो शायद ये करने से वापस आ जाए। तो मैंने फिर से किया तो मेरे 4000 रुपये यहाँ पे गए। आई जस्ट डोंट बिलीव कि मैं अपने आप को बहुत समझदार समझती हूँ, हर चीज़ हर कदम में फूक फूक के रखती हूँ, बट ऐसी गलती कैसे मैंने कर दी। उसने फिर से मुझे कन्विंस किया फिर से स्कैन करने। उसने ये बोला कि नहीं, ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है, अगर आप स्कैन नहीं करोगे आपके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। सो टोटल ऑर्डर वॉज अराउंड 4990 रुपीज़। तो उसने बोला कि 4000 आपके कट गए हैं ऑलरेडी, तो अगर आप फिर से नहीं करोगे तो आपको आपके जो है ये 4000 नहीं मिलेंगे। तो ऐसे मैं उसकी बातों में आ गई एंड यू वोंट बिलीव, लिटरली मेरे साथ उसने 7 बार स्कैन कराया। मेरे टोटल 14000 रुपये कटे हैं मेरे अकाउंट से। एंड मैं उसको बार बार यही बोल रही थी कि मेरे पैसे कट रहे हैं और मुझे वापस नहीं आ रहा है। तो इसके आंसर में वो बोले जा रहा था कि अगर आप स्कैन नहीं करोगे तो जितने भी आपके कटे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट उसकी तरफ से जा चुकी है। तो ये लोग इस तरीके से आपको कंफ्यूज एंड कन्विंस करते हैं कि उस टाइम आपका दिमाग चलना लिटरली बंद हो जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ। बोलते ना जब बुरा वक्त आता है तो उस टाइम पे दिमाग भी नहीं चलता, क्योंकि मैं सिचुएशन के बारे में बिल्कुल अनअवेयर थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एंड पता नहीं भगवान ने उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं डाला कि ये स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। एंड मैंने उससे पूछा भी कि भैया मुझे लग रहा है आप मुझसे फ्रॉड कर रहे हो, और अगर आप ऐसा करोगे किसी के साथ भी तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है, आप प्लीज़ मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए। तो फिर भी नहीं मान रहा था, मुझसे बार बार यही बोल रहा था कि फाइनल टाइम आपको स्कैन करना पड़ेगा तभी आपको पूरे पैसे मिलेंगे। और इस तरीके से मैं उसकी बातों में उलझती गई और मेरे पैसे जो है पूरे बर्बाद हो गए। 14000 रुपये मेहनत के पैसे, मेहनत करके हर कोई इंसान पैसा कमाता है, तो बहुत दुख होता है। बहुत दुख में थी मैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन अब ये भी सोचा कि चलिए ठीक है, ये मैंने एक सीख ली, मे बी ये भगवान का एक इशारा था मेरी तरफ कि आई हैव टू यू नो पुट अ स्टॉप टू थिंग्स एंड सी कि क्या सही है क्या गलत है। देन मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे तो कुछ लोचा हो रहा है। मैंने उसको बोला कि आप पैसे वापस नहीं कर रहे हो तो ठीक है, मैं अभी देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे बोलकर मैंने फोन रख दिया। इमीडिएटली मैंने मेरे भाई को फोन किया, उसको मैंने सारा सिचुएशन बताया। तो उसने बोला कि बैंक को इमीडिएटली कॉल करो और बैंक को अपनी सारी जो है रिपोर्ट दो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तो बैंक को मैंने बताया, अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो आप जो है इमीडिएटली अपने बैंक को रिपोर्ट कीजिए। पहले तो कोई भी अगर आपको स्कैन कोड भेजता है प्लीज उसे स्कैन मत कीजिएगा। दिस इज अ वेरी बिग फ्रॉड गोइंग ऑन। ये लोगों की सारी टीम बैठी हुई है जो ये प्लान करके चलते हैं कैसे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाएं, कैसे जो है कैसे वर्ड्स यूज करें, कैसे सेंटेंसेस यूज करके कन्फ्यूज करें। मैं नीचे लिंक्स भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं ऑनलाइन जहां पे आप पढ़ सकते हो कि इस तरीके के फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल। बैंक को मैंने कॉल किया, बैंक ने सारा मेरा कार्ड वगैरह सब कुछ ब्लॉक कर दिया, मेरा UPI ब्लॉक कर दिया, मेरा कार्ड भी मैंने बोला कि आप प्लीज रीइश्यू कर दीजिए, तो वो हो गया। उसके बाद जो है
नेक्स्ट थिंग जो मैंने किया, मैंने फ़ोन पे को भी जो है कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे भी मैंने रिक्वेस्ट रेज की, सारे स्क्रीनशॉट सब कुछ डाले हैं। साइबर क्राइम को भी मैंने रीच किया, उन्होंने बोला कि बैंक ने भी मुझे ये बोला और साइबर क्राइम ने भी यही बोला कि मुझे पहले जो है अपनी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके FIR रिपोर्ट करनी होगी, तो उसके बाद मे भी शायद कुछ हो सके। आई डो नॉट हैव एनी होप्स कि मुझे मेरे पैसे मिलेंगे या नहीं, क्योंकि जितना भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जितनी भी हेल्प हम लोग ले रहे हैं, सभी यही बोल रहे हैं, सभी कॉन्टैक्ट यही बोल रहे हैं कि पैसे वापस मिलना बहुत डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली यहाँ पे गलती मेरी थी कि मैंने स्कैन किया, दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक, और पता नहीं मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। बट अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन पता हो इस रिलेटेड, तो प्लीज़ आप लोग मुझे हेल्प कीजिए। और भी कुछ चीज़ें जो मैं कर सकती हूँ, कुछ भी जो मुझे करना हो मेरे पैसे वापस लेने के लिए, मैं वो करूँगी। एंड आई जस्ट होप कि ये किसी के साथ ना हो, तभी मैं चाहती थी कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप सभी को अवेयर करूँ। सो ये जो हुआ ऑब्वियसली अच्छा नहीं हुआ, बट ये मेरे लिए एक आई ओपनर था कि इस तरीके से किसी को भी ट्रस्ट करना, और स्पेशली बिजनेस में ऐसी चीज़ें बहुत बहुत कॉमन होती है, कोई भी आपको चुटकी में उल्लू बना सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ कभी भी कोई भी आपको ऐसे कॉल करके या थ्रू फ़ोन पे या गूगल पे कोई भी स्कैन कोड भेजे या आपसे पैसे मांगे, प्लीज़ कभी मत सेंड कीजिएगा। इमिडिएटली फ़ोन कट करके नंबर ब्लॉक कर देना, क्योंकि ये हो सकता है किसी के साथ भी। ये सारा षड्यंत्र जो रच रहे हैं लोग बैठ के, बहुत बारीकी से सब कुछ सोच के कर रहे हैं, और किस तरीके से लोगों को फंसाएं और किस तरीके से पैसे लूटें, ये पूरा प्री प्लान्ड है उनके पास। तो एनीवेज मैंने उस नंबर पे भी कॉल की, जो व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कॉल से बात हो रही थी, ऑब्वियसली जब मेरे साथ ये स्कैन हुआ, बहुत चालाकी से उसने व्हाट्सएप कॉल की, उसने डायरेक्टली मोबाइल कॉल नहीं की क्योंकि रिकॉर्ड हो सकता है कॉल। तो मैंने फिर से व्हाट्सएप कॉल की और मैंने उससे पूछा, मैंने उससे बोला कि आपने ऐसे कैसे फ्रॉड किया। तो वो अपनी गलती मानने को बिल्कुल रेडी नहीं है, बहुत इनोसेंटली ये बोल रहा है कि नहीं एरर आ रहा है। उसने किसी और से भी मुझसे बात कराई, वो भी यही बोल रहा है कि एरर आ रहा है। तो मैंने उसे ये भी कहा कि अगर आप मुझे मेरे पैसे वापस नहीं करते हो, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। तो वो उल्टा मुझसे बोल रहा है कि एक काम कीजिए, आप मुझे अपने आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन और पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, तो आपके पैसे आ जाएंगे। तो वो इतना बेशरम है कि वो और लूटना चाहता है। तो मैंने कहा कि मैं इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि आपको मेरी आधार कार्ड और पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगी, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी इसको लीगली लूँगी और फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो मैंने फ़ोन कट कर दिया और उसके बाद मैंने उसके वही व्हाट्सएप वाले नंबर पे जो है नॉर्मल कॉल करने ट्राई की, तो वहां से स्विच ऑफ आ रहा है, व्हाट्सएप कॉल्स करने ट्राई की तो उसको डिक्लाइन कर रहा है। एंड देन उसने जो है मुझे व्हाट्सएप में अपना एड्रेस भी भेजा था, उस एड्रेस में पता नहीं वो एड्रेस रियल है या फेक है, आई एम डैम श्योर वो फेक होगा, उसमें भी एक नंबर था, उसे मैं कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो नंबर लग नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली ये सारी जो चीज़ें हैं, फेक इन्फॉर्मेशन आपको देकर, आपको कन्विंस करके आपसे पैसे लूटे जाते हैं। तो यही मेरे साथ हुआ। एनीवेज मैं बस यही होप करती हूँ कि ये किसी के साथ ना हो। सो दोस्तों मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो कर सकती हूँ लीगली इसको रिलेटेड मैं वो कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो इसके रिलेटेड, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। दैट्स इट दोस्तों, दिस वाज ऑल, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइस नो एंड जस्ट अवेयर यू। और अगर आप मुझे कोई भी हेल्प कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, बहुत 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 हेल्पफुल होगा दोस्तों। सो यहीं पर वीडियो एंड करती हूँ, थैंक यू सो मच, बाय।